नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हम बना लेते हैं कि अंतःवृत्त और परिवृत्त कहलाता क्या है। यहाँ पर हम एक सर्कल बनाते हैं और एक दूसरा सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो जो यहां से टच होकर जाए ये देखिए, आपको इसमें तीन डायग्राम दिख रहे हैं, एक वर्ग दिख रहा है और दो वृत्त दिख रहे हैं। तो जो वर्ग के अंदर वृत्त है वह है अंतःवृत्त और जो वर्ग के बाहर वृत्त है वह कौन सा है? वह है परिवृत्त। ठीक है, अब इसी का हमें उसने हमसे पूछा है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब अगर हम यहां से यहां तक देखें तो इसकी लंबाई होगी वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर। अब हम वर्ग की भुजा की लंबाई अगर a मानते हैं तो इसकी भी लंबाई a होगी। और अगर हम वृत्त के रूप में देखें जो कि अंदर वाला वृत्त है तो वह उसका व्यास बनेगी। ठीक है, यानी अंतःवृत्त का जो व्यास है किसके बराबर है? वह वर्ग की भुजा के बराबर है। अगर बात करें हम इस वर्ग के विकर्ण की तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? a रूट टू। और यह बड़े वाले सर्किल के लिए यानी परिवृत्त के लिए ये व्यास का काम करेगी। तो यानी परिवृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? a रूट टू। बस यही इस चित्र में यही समझाने के लिए बनाया गया है। तो हम यहां बात करते हैं अंतःवृत्त की। अंतःवृत्त का व्यास बराबर क्या होगा? वर्ग की भुजा, यानी d बराबर क्या हो जाएगा? a। अगर हम रेडियस निकालें, इसकी त्रिज्या निकालें तो क्या हो जाएगी? a बाई टू। ठीक है, अगर हम बात करें अंतःवृत्त के क्षेत्रफल की पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की वैल्यू है a बाई टू, तो a स्क्वायर बटे चार। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं बात हम परिवृत्त की। परिवृत्त का व्यास, परिवृत्त का व्यास क्या होगा? वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, यानी d बराबर a रूट टू। अगर हम इसे त्रिज्या निकालें तो a रूट टू बाई टू निकलेगी, इसमें से कट जाएगी तो a बाई रूट टू निकलेगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, ये त्रिज्या निकल के आ गई। अब हम निकाल देंगे परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल वही होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू है ए रूट टू, यहां से निकलेगा पाई ए स्क्वायर बाई टू, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर टू होगा। उसने हमसे इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अनुपाते परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर बटे चार और यहां पाई ए स्क्वायर बटे दो। यहां से हम काट देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यहां बचेगा दो बटे चार, दो एकम दो, दो दूनी चार, यानी एक अनुपाते दो निकल के आ जाएगा। तो जो एक वर्ग का अंतःवृत्त है और परिवृत्त है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक अनुपाते दो। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।